आकांक्षा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट टॉपर आकांक्षा को सपरिवार किया सम्मानित। कहा, एक मुश्त दिया जाएगा यूजी की पूरी पढ़ाई का खर्च। बिटिया को संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट को पत्र लिखेगी राज्य सरकार। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में 100% अंक पाकर टॉप करने वाली कुशीनगर अभिनायकपुर की कुमारी आकांक्षा सिंह को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। यहां अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की MBBS यूजी की पढ़ाई का पूरा खर्चा, प्रवेश, हॉस्टल, मेस आदि राज्य सरकार उठाएगी। भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। लोग उनसे प्रेरणा लें, इसके लिए उनके गाँव को जोड़ने वाली सड़क का नाम कर उनके नाम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने जो सफलता, जो कीर्तिमान रचा है, वह उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए प्रेरक भी। नवरात्र में सरकार ने बहु बेटियों के सम्मान, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए भी आकांक्षा खुद में रोल मॉडल है। इस सफलता के लिए पूरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आकांक्षा सफलता के इस सिलसिले को जारी रखेगी। सरकार आकांक्षा को संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट को पत्र भी लिखेगी। मालूम हो कि कम उम्र के नाते परीक्षा में पूरा अंक हासिल करने के बाद उनको दूसरा रैंक मिला है। आपकी तो लॉटरी लग गई। मुख्यमंत्री को आकांक्षा के पिता राजेंद्र राव ने बताया कि वह एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं, पर हाल ही उनको प्रदेश सरकार में शिक्षक की नौकरी भी मिल गई। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिटिया का सिलेक्शन, पत्नी रुचि सिंह भी शिक्षक, आपकी तो लॉटरी ही लग गई। पति पत्नी दोनों लोग पूरे मनोयोग से पढ़ाएं। पूर्व एयरफोर्स कर्मी होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप पूर्वांचल के बच्चों को सेना में जाने के लिए भी प्रेरित करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आकांक्षा और उनके छोटे भाई अमृतांश को टैबलेट, माता पिता को सॉल देकर सम्मानित किया। मेरे लिए यह सपना साकार होने जैसा, आकांक्षा। आकांक्षा ने कहा कि मेरे लिए यह सपना साकार होने जैसा है। हम पूर्वांचल के हैं, बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे लिए श्रद्धेय हैं, स्वाभाविक है। उनसे मिलने की दिली तमन्ना थी, इस तमन्ना के पूरे होने पर जो खुशी हो रही है उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकती। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों से आकांक्षा ने सफलता के मूल मंत्र भी शेयर किए। आकांक्षा ने कहा कि लक्ष्य ऊंचा रखें, इसे हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर प्रयास करें। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी सफलता के लिए जरूरी है। असफलता से हताश ना हो, उसकी वजह तलाशें और लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी हो जी जान से जुट जाएं। न्यूरोसर्जरी में शोध करने की इच्छा आकांक्षा शुरू से ही मेधावी रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा उन्होंने क्रमशः नवजीवन मिशन स्कूल कस्या और दिल्ली के प्रगति पब्लिक स्कूल से हासिल की है। इन दोनों परीक्षाओं में उनके नंबर क्रमशः 97.6 और 96.4% रहे। पहले ही प्रयास में उन्होंने नीट जैसी सम्मानित देश स्तरीय परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। एम्स दिल्ली से MBBS करने के बाद उनकी इच्छा न्यूरोसर्जरी में शोध करने की है। कार्यक्रम में सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव R.K. तिवारी समेत शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बहुत ही सराहनीय है ये बिटिया कुमारी आकांक्षा सिंह, उनसे भी बहुत ही मेधावी रही है। नीट परीक्षा के पूर्व नवजीवन मिशन स्कूल कसिया कुशीनगर से कक्षा 10 की परीक्षा 97.6% अंक प्राप्त करके उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था, और कक्षा 12 में प्रगति पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से भी 96.4% अंक प्राप्त करके बहुत ही उच्च और सम्मानीय स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा कुमारी आकांक्षा की रुचि संगीत में और बैडमिंटन खेलने में भी है। इस तरह से बिटिया बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी प्रतिभा से ये बहुत आगे जाएगी और प्रदेश के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करेगी। बिटिया ये एम्स नई दिल्ली में न्यूरो सर्जरी में विशेष शिक्षा ग्रहण करना चाहती है।
इनके माता पिता को भी मैं इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। उन्हीं के सत्कर्मों का, उन्हीं के आशीर्वाद का ये फल है, क्योंकि बच्चे जिसे कहते हैं हमारे यहाँ की बातें पर बाहें भूत पिता के धर्म, तो माता पिता के ही सुकर्मों से बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चों की अपनी मेहनत भी होती है। इस अवसर पर ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुमारी आकांक्षा को सम्मानित करने का, उनके माता पिता को सम्मानित करने का बहुत ही उनके मार्गदर्शन पर कार्यक्रम किया गया है। अब मैं अनुरोध करता हूँ कुमारी आकांक्षा जी से कि कुछ अपने अनुभव हम सबसे शेयर करने का कष्ट करें। कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया है और आपसे मिलना मतलब मेरे लिए मतलब सपना पूरा होने जैसा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक है। और बाकी जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने सपनों को, अपने इरादों को ऊंचा रखिए और उसको, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी जीवन में जितनी भी आपको कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए और आगे बढ़िए। और एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो हार्ड वर्क कीजिए अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क। स्ट्रैटेजी सही से बनाइए और उसके साथ जितना आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, आप जिंदगी में ज़रूर सफल होंगे। तो ये मैं कहना चाहूँगी। आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि जो आपने मतलब अभी मिशन शक्ति जो लॉन्च किया है, मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिली है। और नारी सशक्तिकरण के बारे में आप जो सोचते हैं उसके लिए मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जो पूरे प्रदेश में पुस्तक तो बच्चे के लिए हो गया। धन्यवाद। आज का दिन मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक है। ये मेरा सपना था कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूं, प्रधानमंत्री जी से मिलूं, तो मेरा वो सपना पूरा हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे सम्मानित किया। और आगे मैं और मेहनत करना चाहूँगी ताकि ऐसे ही मैं अपने प्रदेश का नाम और पूरे देश का नाम रोशन। उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के साथ साथ बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांत इस परीक्षा की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनकी माताजी श्रीमती रुचि सिंह जी को, उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार राव जी को,
और परिवार के सभी सदस्यों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर यद्यपि पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद ऊंचे इरादों के साथ ही परिश्रम और पूरी ध्येय निष्ठा के साथ, लगन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की जो एक तमन्ना होती है, उसे प्राप्त करने की जो एक उत्कट इच्छा शक्ति दिखती है, वह कुमारी आकांक्षा सिंह ने अपने परिश्रम से, अपने लगन और अपनी मेहनत से करके दिखाया। ये प्रदेश के लिए और देश के सभी बालिकाओं के लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं इस अवसर पर कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ में चिकित्सा शिक्षा और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी हैं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी हैं, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना के साथ ही सभी वरिष्ठ हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। वास्तव में ये बालिकाओं के लिए रोल मॉडल हैं और उन परिवारों के लिए भी जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं है या खासतौर पर बालिकाओं को स्कूल भेजने से कहीं न कहीं कोताही बरतते हैं या भेदभाव करते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में। थोड़ा भी हम ध्यान दे दें और एक उचित माहौल दे दें तो बालिकाएं भी बालकों से कहीं कम नहीं हैं, ये वे करके दिखा सकती हैं और कुमारी आकांक्षा सिंह ने ये करके दिखाया है। स्वाभाविक रूप से नीट की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया है, उनकी जो फर्स्ट जो प्राथमिकता होगी प्रवेश की, वहां उन्हें प्रवेश मिलेगा। उन्होंने एम्स दिल्ली में प्रवेश लेने की इच्छा की है, वहां पर उन्हें प्रवेश निश्चित मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहाँ पे जो भी यूजी की पूरी पढ़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा, प्रवेश से लेकर के लॉजिंग फूडिंग के लिए, मैं समझता हूँ कि मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से कहूँगा कि वह पूरा उन परिवार से उसका वो लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा उपलब्ध धनराशि उनको उपलब्ध करवा दें, जिससे बाद में अनावश्यक रूप से फिर परिवार को भटकना ना पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। ये प्रदेश सरकार इस चीज को वहन करेगी, इसमें पूरा सहयोग करेगी। और मैं कुमारी आकांक्षा सिंह से भी इस बारे में कहूंगा कि उन्होंने जो मेहनत और परिश्रम से स्थान प्राप्त किया है, इसको अनवरत बनाए रखें, क्योंकि यूजी में प्रवेश लेने के बाद फिर पीजी, इसके बाद अब मेडिकल की जो आगे की सुपर स्पेशलिटी की नई चीजें सामने आई हैं, यह एक चैलेंज होगा। और उन्होंने स्वयं ही कुशीनगर जनपद के प्रवेश को देखते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कुशीनगर जनपद में कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं है, इसलिए तो
इन्होंने स्वयं न्यूरो सर्जन बनने का निर्णय किया। देखिए ये है भाव कि हम जिस प्रवेश से हैं, जिस पृष्ठभूमि से हैं, वहां की आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को योग्य बना करके फिर वहां की उस आवश्यकता की पूर्ति करने में अपना योगदान दे सकें। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती जनपद है और उस जनपद में अभी हम लोग जिस एक महामारी को नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, इंसेफ्लाइटिस को, सबसे ज्यादा प्रकोप इंसेफ्लाइटिस का जिन जनपदों में होता था उनमें से कुशीनगर एक है। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से हम लोग वहां एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में जो नए शोध हो रहे हैं और नए सुपर स्पेशलिटी की नई नई ब्रांचेज चल रही हैं, प्रारंभ हुई हैं, इसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उनकी इस उपलब्धि के लिए उनका और उनके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वो अपनी मेरिट को इसी प्रकार से बनाए रखेंगी और आने वाले समय में भी राज्य सरकार उन्हें हर संभव हर प्रकार की मदद देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा ही। मुझे लगता है कि गांव की अगर सड़क नहीं बनी होगी तो जिलाधिकारी कुशीनगर इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि उस बालिका के ही नाम से उस सड़क को बनाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये मेरिट के आधार पर साथ साथ अन्य बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बनेगी। हम लोगों ने इसी चीज के लिए शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि प्रतिपदा से एक मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू किया है। देखिए जब तक जब कोई शक्तिशाली होगा तो वह सम्मान भी अपना बना सकता है और स्वावलंबन का जीवन भी आगे गुजर बसर कर सकता है। मिशन शक्ति उसी अभियान का एक हिस्सा है। पहले चरण में जागरूकता का व्यापक पैमाने पर हर एक स्तर पर ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। इसके बाद जहां भी कोई चैलेंजेज होंगे उनके समाधान का रास्ता निकालना ये द्वितीय चरण का होगा। इसके बाद फिर आगे एनफोर्समेंट की जहां कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार की है, लेकिन जागरूकता बहुत बड़ा पक्ष है इसका और इस जागरूकता के कार्यक्रम के साथ इस प्रकार की बालिकाओं को समाज के सामने लाना, उनके माध्यम से अन्य बालिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं एक बार फिर से कुमारी आकांक्षा सिंह ने न केवल अपने इस नीट में प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि मिशन शक्ति के इस अभियान का भी उन्होंने सराहा है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों को बहुत मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से कुमारी आकांक्षा सिंह और उनकी पूरी परिवार को, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके पिताजी और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास भी करता हूं कि वह अपने इस मेरिट को इसी प्रकार से निरंतर आगे बनाने रखने में सफल होगी। सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।